নমস্কার, আমি রাম মন্দির থেকে বলছিলাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি অযোধ্যার সেই রাম মন্দিরে। রাম মন্দির ঠিক আমার এই বাঁদিকটায় হবে, আর এই দুপাশ দিয়ে তৈরি হয়েছে রামপথ। দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর টাকা খরচ করে এই দেয়ালগুলো তৈরি করা হয়েছে। গোটা রাস্তা জুড়ে এরকমভাবে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার দুধার ধরে লাইট লাগানো হয়েছে। এইভাবে দেয়াল জুড়ে চারমিনারের স্টাইলে আর্কিটেকচার লাগানো হয়েছে। গোটা রাম মন্দিরের খরচ 1800 কোটি টাকা। সেটা কোথা থেকে এসছে আমরা জানি না। বলা হচ্ছে যে সরকার পুরোটা খরচ করেনি, এটা পুরোটাই ট্রাস্টের পয়সায় হয়েছে। ট্রাস্টের পয়সায় রাম মন্দির হলেও এই যে বিরাট রাস্তা, যতদূর চোখ যাবে এই বিরাট রামপথ, তাতে এখনও প্রচণ্ড, মানে কী বলবো, যারা কাজ করছেন এরা সকাল থেকে বিকেল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছেন, কারণ মাত্র আর 6 দিন বাকি রাম মন্দিরের উদ্বোধন। এই মুহূর্তে আমি এক চাচাকে পেয়েছি, ইনি এই রামপথ পরিষ্কারের দায়িত্বে আছেন। এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে রাম গোদ, তিনি অযোধ্যার নিবাসী, এখানকার মানুষ। তার বক্তব্য শুনবো যে এই রামপথ পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে পুরোটা তাদের কি বক্তব্য। আচ্ছা, আপ তো ইহাঁ পে কাম করতে হয়, ইয়ে কি পার্মানেন্ট জব হ্যায় ইসকা? না জি স্যার, ইয়ে কাম করতা হুম, মে হমেশা করতা হুম। আবি নয়া নয়া লাগা হুম, আবি ক্যা হো রাহা, কেসা নৌকরি মিলতা হ্যায়, কেসা নেই মিলতা হ্যায়। হ্যাঁ, ও তো স্টাফ সবকে উপর, কর্মচারী কে উপর হ্যায়। কিতনা রুপিয়া পার ডে মিলতা আপকো? পার ডে 500 রুপিয়া মিলতা হ্যায়, 12 ঘন্টে কা হ্যায়। 12 ঘন্টা 500 রুপিয়া মিলতা হ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা, কব সে কাম কর রহে ইধর? আবে হমকো 10 দিন হুয়া কাম করতে হুয়ে। 10 দিন? হ্যাঁ। আর ইয়ে তো রাম মন্দির তো 22 তারিখ কো হো জায়েগা, উসকে বাদ আপ ক্যা কাম করেঙ্গে? আবে দেখে কর্মচারী কে উপর হ্যায়, ক্যা করতে হ্যায় ক্যা নাহি। ই কোন কাম দিয়া ইসকা? ইয়ে মোদী জি নে দিয়া হ্যায় হম লোগ কো কাম কে লিয়ে, उनके आदमी दिए हैं काम करने के लिए, सभापति करने के राम मंदिर में। मोदी जी ने मतलब बीजेपी वालों ने दिए? हाँ, वाजपेयी ने दिया है। बहुत अच्छा काम किया, मंदिर बनवा दिए। अच्छा, सब पसंद है, सब खुश है। अच्छा, अच्छे अच्छे सब है। अच्छा अच्छा, ये आप इसके पहले क्या काम करते थे? इसके पहले मैं नरेगा में काम करता था। मतलब नरेगा चालू है, मोदी जी ने चालू किया है। अच्छा, वो भी सरकारी है, कामगार के लिए है, वो भी काम करने का, कमाने का। ये तो परमानेंट जॉब नहीं है ये तो, मतलब अगर ये राम मंदिर हो जाएगा उसके बाद तो आपको काम नहीं रहेगा? ये तो मालूम नहीं भाई, अब उनके ऊपर है, वो काम रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, हम नहीं बोल सकते, हम लोग गरीब आदमी है, क्या करते क्या नहीं। बाकी घर में कौन कौन है आपका? घर में है सब, वाइफ है, मेरे लड़के हैं, माँ पिता खत्म हो गए हैं। चलता है 500 रुपया में? चलता है क्या? चलता है, चलता है, 100 रोज चलता है, और क्या चलेगा। 500 में क्या होने वाला है आजकल? वही तो, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं तो आपने नहीं बोले भाजपा वाले को, यहाँ पे जो लीडर है क्या बोले? जो अपना परचन है जिससे मिलने जाओ, वो बोलते इधर नहीं है, उनसे मिले उनसे मिले, तो किससे जाएंगे मिलने के लिए? जो जो मिले वही काम करे, जो वहाँ वही काम करे। मतलब आपको 22 तारीख के बाद आप क्या काम करेंगे आपको पता नहीं है, लेकिन आज 500 मिल रहे हैं? हाँ, 500 मिल रहा है, काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह करेंगे। अच्छा, ऐसे ही चलता है, परमानेंट कुछ जॉब नहीं है? अभी नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं परमानेंट है क्या नहीं है। वो लोग नहीं बोले अब तक? अभी तक हम लोग को नहीं, कुछ नहीं बोले हैं। और आपके घर का जो आपका लड़का है, लड़की है कोई? हाँ, लड़की भी है, लड़के भी हैं। वो लोग जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं वो। क्या लड़का कौन क्या करता है? 12th क्लास में पढ़ते हैं, लड़की है 11th क्लास में पढ़ती है। वो पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे, सरकार देती है या आपका खुद का? सरकार नहीं देता, हम लोग मजदूरी करके अपना काम करते हैं। अच्छा, वो स्कूल का फीस भी भरना पड़ता है? 500 रुपया? हाँ, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। आपसे थोड़ा बात करेंगे, आप क्या इधर का है भैया? यही के रहने वाले हैं। आप क्या काम करते हैं? मतलब यही झाड़ू लगाते हैं। ये तो राम मंदिर बन जाएगा 22 तारीख का, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जैसे जो लगाया है अभी तो आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को। अच्छा, कि आगे काम मिल जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट हो सकते हैं? अभी तो 6 बजे सुबह आते हैं, 6 बजे शाम तक काम करते हैं, 500 रुपया मिलता है। 500 मिलता है, चल जाता है घर घर। क्या चलेगा इस महंगाई में, क्या चलेगा? 14 रुपये गाड़ी का पेट्रोल हो गया, 100 रुपये का अपना खर्चा हो गया। मान लीजिए 300 रुपये बचे, 300 में 100 रुपये की सब्जी वब्जी हो गई। अच्छा। 200 रुपये सेब हुए, वही 200 रुपये में चाहे अपना बच्चे को दे दो, चाहे बीबी को दे दो, जिसको इच्छा हो जिसको दे दो। अच्छा, और इसके पहले क्या काम करते थे? इसके पहले हम लोग ठेकेदारी करते थे, ठेकेदार के यहाँ सुपरवाइजर थे सेतु निगम में। अच्छा, तो उनकी कंपनी बैठ गई, वहाँ पे काम खत्म हो गया हम लोगों का। और अभी वो यहाँ का जो भाजपा लीडर है बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये परमानेंट हो सकता है। हाँ, तो अच्छा। बता तो रहे हैं परमानेंट हो सकता है, लीडर नहीं बता रहे हैं, जैसे जो लोग लगाए हैं।
कौन लगाया ये बोल रहे हैं? अरे सुपरवाइजर हैं, प्राइवेट हैं सब। सब प्राइवेट है। कौन सा कंपनी में हम काम करते हैं? प्राइवेट कौन सा कंपनी है? कंपनी का नाम कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे जैसे आपको ठेकेदार कोई इसमें लीडर है। अच्छा। बता दिया यार 10 आदमी लाकर अपना काम कराओ। अच्छा। आपका पेमेंट मिल जाए। घर कैसे जाते हैं? 500 में वही भी जाता है ट्रैवल? वही बाइक से जाते हैं। बाइक है। वो तो तेल भी खर्चा है। अपना खर्चा 100 रुपए का पर डे तेल खर्चा है। पर डे 100 रुपए 12 किलोमीटर यहाँ से मकान पड़ रहा है। अच्छा, आपका नाम? भानु प्रताप। भानु प्रताप, थैंक यू। আমরা এতক্ষণ দুজনের সাথে কথা বললাম, এরা প্রত্যেকেই অযোধ্যা যে মন্দির তৈরি হয়েছে, এই মন্দিরের সামনে বিরাট বড় রামপথ, 1800 কোটি টাকা খরচা করে তৈরি করা রাম মন্দির এবং তার পথ, এই বিরাট পথের যারা পরিষ্কারের দায়িত্বে আছেন এই মানুষগুলো, সাধারণত এনাদেরকে নিয়ে কথা বলা হয় না। যেভাবে মুন্না ভাই MBBS-এ যিনি পরিষ্কার করতেন তাকে নিয়ে কেউ কথা বলতো না, শুধুমাত্র মুন্না ভাই বলতো। তো আমরা মুন্না ভাই কিনা জানি না, কিন্তু এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হলো এবং আমরা জানতে পারলাম মাত্র 500 টাকায় 12 ঘন্টা কাজ করানো হয়। আমরা প্রত্যেকে জানি যে ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক 8 ঘন্টা কাজ করবেন, তার বেশি কাজ করবেন না, কিন্তু এখানে 12 ঘন্টা কাজ করানো হয় সরকারি বদান্যতায়। এবং এখান থেকে যারা যাদেরকে কাজ দেওয়া হয়েছে তারা একটা বেসরকারি সংস্থা, সেই সংস্থা এদেরকে রিক্রুট করা করেছেন এবং তারা কাজ করছেন সারাদিনব্যাপী 500 টাকা। তাদের কিন্তু এটা পার্মানেন্ট জব নয়, 22 তারিখে রাম মন্দির উদ্বোধনের পর তাদের কোনো কাজ থাকবে কি না আমরা তাও জানি না। শুধু জানি যে আজকে 500 টাকা রোজগার হচ্ছে, তার থেকে 100 টাকা এই যাতায়াত খাওয়া দাওয়ার পিছনেই চলে যাচ্ছে, 400 টাকা তারা ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই 400 টাকায় ছেলে মেয়ের পড়াশুনো থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে জামা কাপড় থেকে শুরু করে বিদ্যুতের বিল তাদেরকে দিতে হয়। অথচ রাম মন্দির তৈরি হয় 1800 কোটি টাকা খরচা করে। থ্যাংক ইউ।